मेरे को प्यार मेरे देश से, मेरे को प्यार मेरे देश से। हम लोग गाना बेचते ईमान नहीं बेचते, हम लोग गाना बेचते ईमान नहीं बेचते। मैंने लात नहीं मारा किसके पेट पे, मैंने लात नहीं मारा किसी के पेट पे। मेडिटेशन करा मैंने रखा मैंने पेशेंस, मेडिटेशन करा मैंने रखा पेशेंस। यस सर, अच्छा लगा आपके आवाज में ये चीज सुनना। अभी जो एमसी स्टैन यहाँ कन्फेशन रूम में बैठा है, हाँ, जो कल स्टेज पे सलमान खान के साथ था, और एक वो एमसी स्टैंड जो घर के अंदर घर वालों के साथ है, हाँ, उन दोनों में बहुत फर्क है। आप सही बोल रहे, थोड़ा घुल मिल पा रहा है लोगों से अभी, जो भी घर में सदस्य जो भी, मैं अभी समझ रहा हूँ धीरे धीरे। तो एक दो दिन है तो मैं थोड़ा, मेरे को समझ रहा है कि मैं थोड़ा शांत रह रहा हूँ। या डू यू फील मी ब्रो? I feel you. Always feel you. कनेक्ट करूंगा मैं मेरे लोगों को, मेरी पब्लिक को, और मैं ध्यान दूंगा। अच्छा लगा आपसे सब बातें सुन के और करके कि हाँ। रात 10:30 बजे सब लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी मुझे पता है सफाई वैन नहीं है, लेकिन जैसे क्वेश्चन है कुछ है सी वो ठीक करके रखने का। हाँ, मतलब जो जो ड्यूटी मिला है, बिकॉज टाइम आप जब से आए हो ठीक है, कोई काम नहीं किया। हाँ, मैंने नहीं किया ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसे आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। नहीं मालूम क्योंकि अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जब चीजें सच में करूंगा ना, खुद से करूंगा। मुझे पता है। कौन क्या बोले? कुछ नहीं, बात किए बिग बॉस ने। क्या बोले? इंटरनेशनल सीन के बारे में, हिप हॉप सीन, देसी हिप हॉप, कुछ नहीं सर, लाइक कंफर्टेबल कर रहे थे। अच्छा, मतलब तेरे को वेलकम कर रहे थे। रात 11 बजे बर्तन कम कम कीजिएगा, बढ़ते ही जा रहे हैं। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सुनना, मैं क्या बोलता हूँ? हाँ बोला। मग्स छोड़ देते सारे, बार बार बताने नहीं बैठे हम कि मग्स धो लो, मग्स धो लो, मग्स धो लो, मग्स छोड़ देते, प्लेट धो लेते। मुझे लगता है सबसे ज्यादा काम मम्मी कर रहे हैं। ये देखो ग्रेप, ये इन्होंने उसका मंदिर पड़ा हुआ, ये भी हम फेंकेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, एक नया रूल बनाते हैं, अपना प्लेट और अपना कप वो धो लेगा। अभी बाहर चलकर डिस्कशन करते हैं सारी सर, और आप ना वो मत बोलना कि नहीं नहीं ओके, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर हियर। बर्तन धो दिए हमने, कप से एक भी नहीं धोए हैं। निमृत सुनो, सबसे बड़ी चीज बर्तन बहुत ज्यादा है। हम 5 बार सुबह से बर्तन धो चुके हैं। देखो 3 बार खाना बनता है, तीनों बार तीन अलग अलग टीम्स है, खाना बनता है 3 बार डिफरेंट। चलो अपने अपने बर्तन ना, जो खाना खा रहे हैं वो कर लो बर्तन। तो आप लोगों का ना बहुत सारी चीजें कर नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, क्या करूँ मेरे को समझ में आता है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला नहीं हूँ। घर में आई हूँ मैं, लिटरली आज डिनर के बाद होगा कि मैं चैन से बैठी हूँ। मैं नहीं बैठी हूँ, मैं किसी के साथ बातचीत तक नहीं कर पा रही हूँ यार। और यहाँ पे सब लोग एडल्ट्स हैं, तो प्लीज अडल्ट सब पढ़े लिखे हैं। हाँ, सब पढ़े लिखे यार, इसलिए अपने घर में काम करते होंगे। अगर हर इंसान अपना काम कर ले तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपना बोलूं? तुम बोलो भाई। देखो मेरा क्या काम है? सिर्फ किचन क्लीनिंग करना है। तो मैं बीच में नहीं आ सकती कि आप खाना बना रहे हैं, आपकी भिंडी की भिंडी कटी हुई रखी है, मैं है ना भिंडी कटी, डिनर करे हुए 1 घंटा हो गया। हाँ, हम जा रहे थे बर्तन करने, हम गए ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे पहले तुम्हें किचन में जाना चाहिए था। ये सौंदर्या कर रही थी, सौंदर्या ने उसने जितनी भी दाल थी जो भी था मेरे सामने उसने सब साफ किया। शी मेक श्योर कि हमारे हम जब जाएं तो खाली वो बर्तन हो, उसके अंदर कोई गंद ना हो। तो ये टाइम अगर किचन जो साफ कर रहा है इंसान, अगर हम बर्तन धो रहे हैं तो उससे पहले उसकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि सब गंदगी वहां से साफ होनी चाहिए, उसके बाद हम जाएं एंड विल क्लीन द डिशेस। मैंने चलो साफ कर दिया, उसके बाद ये लोग बर्तन मांजने आए, नीचे पानी टपका, साइड में पानी टपका, सिंक ये साफ नहीं करेंगे तो क्या मैं दोबारा वो सिंक साफ करने या नीचे जाऊंगी क्या? मैंने सिर्फ ये बोला कि इनको बोलो बर्तन मांज दे, सब कुछ कर दे, उसके बाद मैं वो सिंक भी साफ करूंगी। सही है, तुमने पहले बोला बर्तन को लेके झगड़ा कर, बर्तन खाना, और वो लड़की का नेचर थोड़ा झगड़ालू है। हाँ है तो सही, ऊपर से बेचारी उसकी फॉल्ट भी नहीं है। गॉड इज गिवन हर एक्सट्रीमली इरिटेटिंग वॉइस, वो बेचारी जब बोलती भी तो ऐसा लगता है कि झगड़ा कर रही है। नहीं बट ऑल्सो
अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देना चाहिए. शी थिंक्स टू इम्पोर्टेंट ऑफ हरसेल्फ कि हर चीज में वो मैं ये मेरा बेड मेरा ऐसे हर चीज में. जब तक बाल नहीं नोचेंगे एक दूसरे के मैं बाहर नहीं जाऊंगा. ओ गॉड. और सब एक साथ बोलते हैं सबको प्रूव करना है कि सब लीडर है. जिसको कंफर्टेबल लगता है चॉपिंग करके चीजें उनकी विल से डस्टबिन में डालना वेरी गुड. कोई नहीं डालता नो प्रॉब्लम. तो बेसिकली द मुद्दा इज अगर हमें किसी बर्तन के अंदर लेफ्ट ओवर पड़ा मिला है हम वो बर्तन छोड़ दें. छोड़ दो छोड़ दो ठीक है.